नमस्कार विद्यार्थी मित्र, हूँ मगन भाई वसावा, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एग्रोवे स्कूल तिलक वड़ावती आपनो हार्दिक स्वागत करू छू। आज आपणे धोरण 8 विषय गणित प्रकरण नंबर 3 चतुष्कोणी समझ मां आपणे बहुकोण बहुकोण नु वर्गीकरण अने बहुकोण मां विकर्ण केवी रीते आवे छे आपणे समजवानो छे। विद्यार्थी मित्र, बहुकोण शुं छे? बहुकोण ए रेखाखंड फक्त रेखाखंडथी बनता बंद सादा वक्र ने बहुकोण कहेवाय छे। विद्यार्थी मित्र, एग्जांपल तरीके समझिए कि फक्त रेखाखंड थी के आ बहुकोण मां फक्त रेखाखंड थी बनता बंद छे सादु वक्र छे इने आपणे कहेशुं बहुकोण। बहुकोण नुं वर्गीकरण तेना आ शिरो बिंदु अने बाजुना आधारे करी शकाय छे। विद्यार्थी मित्र, बहुकोण मां सौथी नानुं बहुकोण हशे त्रिकोण, तो त्रिकोण में कितना शिरोबिंदु हशे? विद्यार्थी मित्रों, तो त्रण शिरोबिंदु हशे। त्रण शिरोबिंदु ने त्रण रेखाखंडोथी जोड़िए तो ए बहुकोण बने छे। विद्यार्थी मित्रों, नाना में नानो बहुकोण त्रिकोण छे, याद रखो। तो आनी बाजू अने शिरोबिंदु कितना हशे? आनुं नाम छे त्रिकोण। पछी चार शिरोबिंदु एक बे त्रण अने चार, चार शिरोबिंदु ने चार रेखाखंड वडे जोड़िए तो एने चतुष्कोण कहेवाय छे। चार खूणा अने चार बाजू, तेज रीते अही पंचकोण, पांच खूणा अने पांच बाजू, पांच शिरोबिंदु होय तेवी रीते षटकोण में, षटकोण में छ शिरोबिंदु ने छ रेखाखंड वडे जोड़िए तो आपणे षटकोण मळे छे। विद्यार्थी मित्र, आवी रीते आपणे n कोण सुधी एनु वर्गीकरण करी शकीए छे। विद्यार्थी मित्र, बहुकोण नु वर्गीकरण ए तेना शिरोबिंदु अने रेखाखंड ना आधारे थाय छे। हवे जो विद्यार्थी मित्र, बहुकोण मां विकर्ण, विकर्ण के रीते विकर्ण कोने कहेशुं? तो विद्यार्थी मित्र, आपेला बहुकोण मां एक जे क्रमशः न होय तेवा शिरोबिंदु ने जोड़वाथी जोड़ता रेखाखंड ने एनो विकर्ण कहे छे। विद्यार्थी मित्र, उदाहरण तरीके सम आ त्रिकोण, त्रिकोण सौथी नानो बहुकोण छे तो एमां बधा त्रणे त्रण क्रमशः आवे छे, पण चतुष्कोण मां जोईए विद्यार्थी मित्र तो अही आपणे एक एक क्रम छोड़वानो छे। तो अही जोईए के आ आने लीधो तो आने छोड़वो पड़े, तो आ आ जे बे शिरोबिंदु क्रम मां ना होय એવા બે શિરોબિંદુ ને જોડતા રેખાખંડ ને આપેલા બહુકોણ નો વિકર્ણ કહેવાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો, એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ આ ષટકોણ માં, ષટકોણ માં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્રમશ કહેવાય, તો અહીંથી એક, પછી અહીંથી આમ અને અહીંથી આમ, તો આ રીતે જે બનાવે એને આપેલા બહુકોણ નો વિકર્ણ કહે છે। થેન્ક યુ।